हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी बजट की सीरीज का, लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको जाके देखना हो तो प्लीज जाके, मैंने उसकी प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी है, अगर आप जरूर चाहते हैं तो उसको जाके देख लीजिए पहले लेक्चर 1, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम न्यू इकोनॉमी की, है ना। तो क्या हुआ है कि फाइबर टू द होम कनेक्शन थ्रू भारत नेट, ये लिंक क्या करेगा करीब 1 लाख ग्राम पंचायत को इस साल, ठीक है। ये माना गया है, प्रपोज करा गया है कि करीब 6000 करोड़ भारत नेट प्रोग्राम जो है वो होंगे 2020-21 में। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ये फाइबर टू द होम क्या होता है, ये कनेक्शन आखिरकार है क्या। तो देखिए, ये एक डिलीवरी है कम्युनिकेशन सिग्नल की ओवर ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम द ऑपरेटर स्विचिंग इक्विपमेंट ऑल द वे टू द होम। फाइबर जो ऑप्टिक केबल्स होते हैं वो कैरी करते हैं मच मोर डेटा देन कॉपर केबल्स, है ना, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंसेस की अगर बात करो तो। उसके बाद है नेक्स्ट, बताऊं तो मेजर्स प्रपोज करे गए हैं कि ये बेनिफिट करेंगे स्टार्टअप्स को, इंक्लूड ये सब क्या करेंगे इंक्लूड, जैसे आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा, सीमलेस एप्लीकेशन और कैप्चर ऑफ IPRs रहेगा, और आपका नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर्स सेटअप करे जाएंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, जैसे कि आपका न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज हो गए उसमें। अच्छा, डिजाइनिंग के लिए, फैब्रिकेशन और वैलिडेशन के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के, और फर्दर स्केल अप करने के लिए टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स को हार्बर टेस्ट बेड्स वगैरह, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वगैरह एस्टैब्लिश करी जाएंगी। ये भी प्रपोज करा गया है कि करीब ये प्रपोज करा गया है कि प्रोवाइड करने के लिए आउटले ₹8000 करोड़ का ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फॉर द नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। ये भी बात हुई है। यहाँ पे आगे बताऊँ आपको तो ये आपका जो है वुमेन एंड चाइल्ड सॉरी वुमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर की बात बताऊँ तो देखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो है, मतलब नंबर्स दिए हुए थे। मैं बताऊं तो हार्पिंग ऑन द स्कीम ऑफ केयरिंग सोसाइटी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि करीब 35,600 करोड़ रुपए प्रपोज करे गए, 35,600 करोड़ वगैरह प्रपोज करे गए हैं किसके लिए, इसके लिए न्यूट्रिजन रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, न्यूट्रिजन रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और करीब 28,600, फिगर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर भी मैं बता दूं कि 28,600 करोड़ रुपए वगैरह जो है प्रपोज करे गए हैं प्रोग्राम्स के लिए, जो कि स्पेसिफिक है सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को, औरतों को। मोर ओवर बताऊं तो करीब 85,000 करोड़ रुपए जो है ये एलोकेट करे जाएंगे टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट एंड दूसरे मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना फॉर 2021। सिमिलरली बताऊं तो आगे डेवलपमेंट करने के लिए वेलफेयर स्केड्यूल ट्राइब्स वगैरह का करीब 53,700 करोड़ रुपीस को प्रपोज करा गया है 2021 के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट जो है उसने अपने दिमाग ये भी बनाया है कि जो कि कंसर्न जो है सीनियर सिटीजन्स के और दिव्यांग के, उनको भी दिमाग में रखा है। इसके साथ साथ एक इन्हांसमेंट एलोकेशन करीब 9,500 करोड़ रुपये का जो है वो भी प्रोवाइड करा गया है 2021 में। आगे बताऊं कल्चरल एंड टूरिज्म के बारे में, तो देखिए कल्चरल एंड टूरिज्म की बात करूं तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज और कंजर्वेशन की बात हुई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, ये प्रपोज करा गया है, ठीक है, कि ये एस्टैब्लिश करा जाएगा विद द स्टेटस ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर, ठीक है। 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बताऊँ जो डेवलप करी जाएंगी एक आइकॉनिक साइट के तौर पर विद ऑन साइट म्यूजियम, इसमें ऑन साइट म्यूजियम भी होगा, जिसकी राजकीयगढ़ में होगी हरियाणा में, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर आसाम, धोलावीरा गुजरात में जो है, और आपका आदि चांदनेरूर तमिलनाडु में, ठीक है। रिक्यूरेशन होगा हमारे इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में, उसका अनाउंस करा गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि जनवरी 2020 में म्यूजियम न्यूमिस्टमैटिक्स, न्यूमिस्टमैटिक्स समझते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं, म्यूजियम न्यूमिस्टमैटिक और ट्रेड का जो है लोकेट करा जाएगा हिस्टोरिक ओल्ड मिंट बिल्डिंग कोलकाता में, ठीक है। करीब 4 और म्यूजियम पूरे ही कंट्री में जो है वो लिए जाएंगे रिनोवेशन के लिए और रिक्यूरेशन के लिए भी सपोर्ट रखा जाएगा सेटअप करने के लिए। ट्राइबल म्यूजियम को हमारे रांची जो कि झारखंड में, वहाँ पे मैरीटाइम म्यूजियम को सेटअप करा जाएगा लोथल में, जो कि हरप्पन एज मैरीटाइम साइट है, आपको पता ही है अहमदाबाद के पास में है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ये सारे काम करे जाएंगे। फिर आपको बताऊं मैम इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो देखिए इन्वायरमेंट के बेसिस पे बताऊं तो स्टेट का फॉर्मुलेट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है प्लान्स वगैरह को जो कि जो है इंश्योर कर रहा है क्लीनर एयर सिटीज वगैरह में अबव 1 मिलियन टू बी इनकरेज्ड, ठीक है। और ये बात हो रही है, पैरामीटर्स भी हैं फॉर द इंसेंटिव्स टू बी नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इसके एलोकेशन करा है इस पर्पस के लिए करीब 4,400 करोड़ रुपए का, मतलब 4,400 करोड़ रुपीस का करा गया है एलोकेशन 2020 और 2021 के लिए। आगे बताऊं गवर्नेंस की साइड पे, तो देखिए ड्वेलिंग इन द इशू ऑफ गवर्नेंस एज क्लीन करप्शन फ्री पॉलिसी ड्रिवन एंड गुड इन इन इंटेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रस्ट ट्रस्टिंग इन फेथ, फाइनेंस मिनिस्टर ने देखिए क्या अनाउंस करा है, अनाउंस करा है कि वो सेटअप होगा करीब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे फॉर कंडक्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट रिक्रूटमेंट के लिए। क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा रिक्रूटमेंट के लिए टू नॉन गैजेट पोस्ट के लिए, ठीक है। एक टेस्ट सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, पर्टिकुलरली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करा जाएगा। आगे बताऊं तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, तो देखिए जो NBFCs की लिमिट है टू बी एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, सरफेसी, ठीक है, एक्ट 2002 के अंदर ये प्रपोज करा जा रहा है कि रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम 500 करोड़ टू असेट साइज ऑफ 100 करोड़ और लोन साइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1 करोड़ टू 50 लाख, ठीक है, इसको रिड्यूस कर रहे हैं और मीट करने के लिए नीड ग्रेटर प्राइवेट कैपिटल के, ये प्रपोज करा गया है कि देखिए सेल करेंगे एक बैलेंस, एक टू सेल द बैलेंस होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IDBI बैंक टू प्राइवेट, ठीक है, जो बैलेंस होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की IDBI बैंक में, ये प्राइवेट को सेल करेंगे रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, ठीक है। अब क्या है, टू हेल्प इजी मोबिलिटी वाइल इन जॉब्स, ठीक है, टू हेल्प इजी मोबिलिटी वाइल इन जॉब्स We wish to infuse into universal pension coverage with auto enrollment. इसमें क्या होगा, ऑटो एनरोलमेंट होगा, मोर देन 5 लाख MSMEs जो है वो बेनिफिट करेंगे फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेप्थ परमिटेड बाय RBI इन द लास्ट ईयर, ठीक है, इतना इनको फायदा हुआ है और जो रीस्ट्रक्चरिंग विंडो है वो एंड हो जाएगी, वॉज टू बी एंड ऑन मार्च 31, 2020। गवर्नमेंट ने RBI से पूछा है कंसिडर करने के लिए एक्सटेंडिंग दिस विंडो, कि ये जो है मतलब ये गवर्नमेंट ने कहा है RBI से कि इस विंडो को एक्सटेंड करो मार्च 31, 2021 तक के लिए, ठीक है, फॉर सिलेक्टेड सेक्टर जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हो गया, मतलब मेडिसिन वगैरह जो होता है, ठीक है, ऑटो कॉम्पोनेंट्स और दूसरे सेक्टर्स के लिए ये प्रपोज करा गया है कि एक्सटेंड करो हैंड होल्डिंग सपोर्ट को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस स्ट्रेटजी वगैरह के लिए। एक स्कीम करीब 1,000 करोड़ रुपए की ये एंकर्ड करी जाएगी बाय एक्सिम बैंक टुगेदर विद द सिडबी के साथ मिलके, क्लियर है। आगे बताते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट की बात बताऊं तो करीब अबाउट डीपनिंग ऑफ द बॉन्ड मार्केट, कई सारी स्पेसिफाइड कैटेगरीज हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ये फुली ओपन कर दी जाएंगी नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अवेलेबल टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एज वेल। उसके बाद गवर्नमेंट जो है इसने प्रपोज करा है कि एक्सपैंड करा जाएगा बाय फ्लोटिंग अ न्यू डेप्थ ETF consisting primarily of government securities, इसमें होंगी ये जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को एक्सेस देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की एज मच एज गिविंग अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रहेगी पेंशन फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरह, ठीक है। उसके बाद टू एड्रेस द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट को एड्रेस करने के लिए NBFC और HFCs के, ठीक है, पोस्ट द यूनियन बजट 2019-2020 वाला जो था, गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट करा है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स NBFC के लिए। क्या है, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को NBFCs के लिए रखा गया है। तो क्या है ये क्या है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, तो क्या यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम को पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, मतलब PSBs के लिए, कि वो परचेज कर सकते हैं हाई रेटेड पूल्ड एसेट्स फाइनेंशियली साउंड NBFCs से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं NBFCs से और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से, क्लियर है। अब जो गवर्नमेंट है और RBI है उसने कई सारे मेजर्स लिए हैं परमिट करने के लिए रुपी डेरिवेटिव्स को कि वो ट्रेड हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स में एट गिफ्ट सिटी गुजरात। आगे बताऊं डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो देखिए यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट की साइड बताऊं तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दैट लिस्टिंग ऑफ कंपनीज ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस डिसिप्लिन अ कंपनी एंड प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अनलॉक इट्स वैल्यू, ठीक है, मतलब क्या है कि अगर उनका कहना कि सर क्या है कि अगर लिस्ट करते हो आप कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में, है ना, तो ये कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा है और एक्सेस वगैरह भी प्रोवाइड होती है फाइनेंशियल मार्केट्स की और इसकी वैल्यू भी अनलॉक होती है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी भी देती है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो पार्टिसिपेट करें वेल्थ में, है ना, जो कि क्रिएट हुई है
अच्छा, गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है कि वो सेल करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल करेगी पार्ट ऑफ इट्स होल्डिंग LIC में, जो उसकी पार्ट ऑफ इट्स होल्डिंग है कि सेल करेगी उसे बाय द वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसे कहते हैं IPO, ठीक है, आप समझ रहे हैं ये IPO क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है। तो देखिए ये क्या होता है, या मतलब ये इसे ये कहते आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को स्टॉक मार्केट लॉन्च भी कहते हो, एक तरह का पब्लिक ऑफरिंग होता है ना, जिसमें क्या होता है कि शेयर जो कि कंपनी के हैं उसे बेचा जाता है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को, और यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स को भी, समझ रहे हैं। तो ये होगा IPO के माध्यम से। आगे बताऊं फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में, तो देखिए इन्होंने अनाउंस करा है कि ये ट्रांसफर करेगी GST कंपनसेशन फंड बैलेंसेस जो ड्यू हैं उनको आउट ऑफ द कलेक्शन ऑफ ईयर 16-17 और 17-18 वाले दो इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, हियर आफ्टर, मतलब समझ रही है इन्होंने। शी ऑल्सो अनाउंस टू ट्रांसफर टू द GST कंपनसेशन फंड बैलेंसेज ड्यू आउट ऑफ कलेक्शन ऑफ द ईयर्स 2016-17 एंड 2017-18 इन टू इंस्टॉलमेंट्स। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर्स ऑफ द फंड वुड बी लिमिटेड ओनली टू कलेक्शन बाय द वे ऑफ GST कंपनसेशन सेस के माध्यम से ही होगा। आगे बढ़ाऊं, एक बोर्ड हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है, वो क्या है, रिड्यूस करा गया है कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नई कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ 15%, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए जो रेट है उसे ब्रॉड डाउन कर दिया गया है 22% के लिए। रिजल्ट के तौर पे क्या है, हमारा कॉर्पोरेट रेट वगैरह अब लोवेस्ट है, अमंग द लोवेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, इसकी वजह से बहुत हमारे लॉस हो गया था पहली बार जब बढ़ गए थे ये। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम कवर करने जा रहे हैं, वो है पर्सनल इनकम टैक्स और सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन का। तो समझिए यहाँ पे प्रपोज चेंजेस जो टैक्स स्लैब्स में है वो किस तरह से लिस्ट करे गए हैं, कि देखिए जो टैक्सेबल इनकम स्लैग है 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक की, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग जो टैक्स रेट है वो एग्जेम्प्ट है और नए वाले भी एग्जेम्प्ट है, क्लियर है ये बात। फिर जो 2.5 से 5 लाख वाला स्लैब है इसमें एग्जिस्टिंग 5% लगता है, ठीक है, नया भी 5% है। फिर 5 से जो है क्या कहते हैं, जो 7.5 लाख वाले हैं 20% है, यहाँ पे 10% कर दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका 7.5 से 10 लाख वाला स्लैब है इसमें 20% और 15% का सीन चल रहा है, जो 10 से आपका 12.5 वाला है इसमें 30 और 20 का चल रहा है, 12.5 से 15 वाला जो है वो आपका 30 और 25 का, यहाँ नए वाले में 25 का है, पुराने में 30 का था, और 15 लाख से ऊपर वाले दोनों में ही 30 थे। लेकिन कंडीशन है, आगे आपको समझाते हैं, जो नया टैक्स रिजाइम है ना, तो इसमें देखिए सब्सटेंशियल टैक्स बेनिफिट जो है वो अक्योर करेंगे टैक्स पेयर के, डिपेंड करके अपॉन द एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन जो कि उसके द्वारा क्लेम करा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल बताऊं तो देखिए एक पर्सन अगर अर्न कर रहा है करीब 15 लाख रुपए सालाना, ठीक है, एक साल के 15 लाख कर रहा है और किसी भी तरह के डिडक्शन नहीं अवेल कर रहा है, वो डिडक्शन जानते हैं ना, कुछ एग्जेम्पशन वगैरह डिडक्शन वगैरह जो है वो एग्जेम्प्ट होते हैं, है ना, तो डिडक्शन वगैरह वो अवेल नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ जो है विल पे ओनली ₹1,95,000 एज कम्पेयर टू 2,73,000 जो कि ओल्ड रिजाइम में था, है ना। अब क्या है, 10 मतलब 30% 30% वाला हिसाब, वो 10, इसका जो टैक्स बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय द 78,000 इन द न्यू रिजाइम, ठीक है, 78,000 रुपये बचा पाएगा। यहाँ देखिए 30% पहले था, यहाँ पे अभी क्या है 15 लाख रुपए तक के लिए 25%, तो यहाँ पे उसको पैसा बचेगा, है ना। उसके बाद जो है ये अभी भी गेनर रहेगा ये नए वाले टैक्स रिजाइम में, इवन इफ ही वॉज टेकिंग डिडक्शन ऑफ ₹1.5 लाख अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स अंडर द ओल्ड रिजाइम। समझिए मतलब इवन इफ अगर इसका डिडक्शन भी ले रहा है करीब 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट होती है ना, 1.5 लाख रुपए का जो है डिडक्शन भी ले रहा है, तो ही विल स्टिल बी गेनर, तब भी रहेगा, देखिए ना, 1.5 लाख रुपए का लेगा, उसके बाद भी देखिए 78,000 रुपए इसमें बचा रहा है, तो इसको लेने के बाद भी इसको इसमें फायदा है ना। अब जो नया टैक्स रिजाइम है वो ऑप्शनल रहेगा, ये बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यू टैक्स रिजाइम है ये ऑप्शनल है टैक्स पेयर्स के लिए। एक इंडिविजुअल जो करेंटली अवेयर कर रहा है ज्यादा डिडक्शंस, है ना, मान ली सपोज करिए कोई इंडिविजुअल है वो ज्यादा डिडक्शन अवेल कर रहा है आज डेट में और एग्जेम्पशन पा रहा है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये चूज कर सकता है टू अवेल देम एंड कंटिन्यू कर सकता है ओल्ड रिजाइम में भी, जबरदस्ती नहीं थोपा गया है ये, हमें जो है स्लैब्स अलग दिए गए हैं। तो अगर आप भैया नए वाले टैक्स रिजाइम में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हो तो इसमें एनरोल कराओ, ठीक है, और अगर आप जो है वो इसमें खुश हो, इसी में आप रिडक्शन वाले में ज़्यादा आपको फायदा हो रहा है तो आप इसी में अपने आप को रखो, ठीक है। लेकिन अगर आप, ये ऑप्शन है, कम्प्लीटली ऑप्शन है, लेकिन इसमें बस इतना है कि आपको रिडक्शन वगैरह नहीं मिलेंगे। आगे बताऊँ आपको,
तो जो नया वाला पर्सनल इनकम टैक्स रेट है वो इंटेल करेगा एस्टिमेट रेवेन्यू फॉर कॉन ₹40,000 करोड़ पर ईयर का। मेजर्स लिए गए हैं एस्टिमेट करने के लिए टू प्री फिल द इनकम टैक्स रिटर्न सो दैट इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो ऑप्ट करता है नए वाले टैक्स रिजाइम के लिए वुड नीड नो असिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट टू फाइल हिज रिटर्न एंड पे इनकम टैक्स। ठीक है, इसके लिए ये वाली बात जो है वो करी जाएगी। मेजर वगैरह लिए गए हैं है ना प्री फिल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को, ताकि इंडिविजुअल जो नया वाला टैक्स रिजाइम ले रहा है उसको कोई असिस्टेंट की जरूरत ना पड़े किसी एक्सपर्ट की रिटर्न और आपका मतलब टैक्स रिटर्न के लिए और पे इनकम टैक्स वगैरह पे करने के लिए कुछ दिक्कत उसको ना आए। अब देखिए ये भी कहा गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा मतलब कि उन्होंने रिव्यू करा है सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन को जो इनकॉर्पोरेट मतलब विच गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स लेजिस्लेशन ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। ठीक है, करेंटली करीब बात करूं तो मोर देन 100 एग्जेम्पशंस, करीब 100 से ज्यादा एग्जेम्पशन और डिडक्शन डिफरेंट नेचर के प्रोवाइड करे गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। उन्होंने ये भी कहा है कि ये रिमूव करेंगे करीब 70 उनमें से नए वाले सिंप्लीफाइड रिजाइम में। उन्होंने ये कहा है कि रिमेनिंग एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो है वो रिव्यू करे जाएंगे और रैशनलाइज करे जाएंगे कमिंग ईयर्स में, है ना, ताकि सिंप्लीफाई करा जा सके टैक्स सिस्टम को और लोअर करा सके टैक्स रेट को भी। आगे बताऊं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में, तो देखिए इसमें क्या बात है। करेंटली बताऊं तो कंपनीज जो हैं वो आर रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, है ना, एडीडीटी, डिविडेंड ऑन द डिविडेंड जो कि वो पे करती हैं शेयर होल्डर्स को एट द रेट ऑफ 15% प्लस एप्लीकेबल जो सरचार्ज लगता है सेस लगता है ना, इन एडिशन टू द टैक्स पेबल बाय द कंपनी ऑन देयर प्रॉफिट। ठीक है, जो कंपनी टैक्स पे करती है अपने प्रॉफिट्स पे उसके ऊपर ये वाला डिडक्शन वाला ये पे करती हैं वो लोग। ठीक है, अब क्या मतलब क्या पे करती हैं, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, ठीक है, ये एडिशनल होता है कंपनी से जो पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए अट्रैक्ट करने के लिए और ज्यादा इक्विटी सॉरी इंडियन इक्विटी मार्केट को, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट एंड प्रोवाइड करने के लिए रिलीफ लार्जर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने प्रपोज करा है कि वो ये डीडीटी रिमूव कर देंगी, ये एक्स्ट्रा देती है ना कंपनियां, ये रिमूव कर देंगी एंड अडॉप्ट करेंगी क्लासिकल सिस्टम डिविडेंड टैक्सेशन का। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कंपनी जो है उनको जरूरत नहीं होगी कि वो पे करें डीडीटी को, जो डिविडेंड है वो जो है टैक्स करा जाएगा ओनली इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट्स एट देयर एप्लीकेबल रेट। ठीक है, जो जिसको वो मिल रहा है, ठीक है, डिविडेंड जिसको मिल रहा है वही जो है वो उसी पे टैक्स लगेगा, उसी बंदे से टैक्स लिया जाएगा एप्लीकेबल रेट के अनुसार। ठीक है, अच्छा, रिमूव करने के लिए कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट जानते हैं ना, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जो वैट में लगता था कि मतलब 10 रुपए का आटा लेकर आया समोसे वाला, ठीक है, तो आटे पे उसने कोई पर्टिकुलर टैक्स दिया होगा मतलब सेल्स टैक्स के तौर पे। अब उसने समोसा बेचा तो समोसा बनाया और समोसा बेचा तो जो पब्लिक आई उसके हाथ में चला गया, वो उससे उसने टैक्स ले लिया। उसके बाद जो पब्लिक ने जो समोसा लिया है उसने जो टैक्स पे करा है वो आगे, मान लो वो समोसा बेचती है, ठीक है, कोई भी इंसान बेचता है आगे समोसा, तो वो उसका उस जो उसने टैक्स पे करा है वो और जो उस बंदे ने टैक्स पे करा है उसमें जुड़ा होता, ठीक है, तो वो सारा टैक्स जो है तीसरे पर्सन से ले लेगी। इस वजह से वो सारा टैक्स का जो बर्डन है वो बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, और आखिरी वाला जो बंदा जो मेन कंज्यूमर होता है ना, जो फिनिश्ड गुड्स को जो है बिल्कुल रखता, उसके हाथ में क्या होता, वो सबसे सारा सारे टैक्स के बर्डन का पैसा वही देता है ना, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है। इसको हटाने के लिए जीएसटी आया था। तो देखिए यहाँ बात करें रिमूव करने के लिए कास्केडिंग इफेक्ट को, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज करे हैं कि वो अलाउ करेंगे डिडक्शन फॉर द डिविडेंड रिसीव बाय होल्डिंग कंपनीज फ्रॉम इट सब्सिडियरी। ठीक है, जो भी डिविडेंड रिसीव करती है होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी से, ठीक है, तो ये उस पर डिडक्शन जो है वो अलाउ करेंगी, रिमूवल होगा डीडीटी का, इसकी वजह से एस्टिमेट एनुअल रेवेन्यू जो है फोरगोन ₹25,000 करोड़ हो जाएगा। दिस विल फर्दर मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, इसकी वजह से इंडिया में काफी ये बात है कि पैसा आने लग सकता है। अब उसके बाद देखिए बात करें कंसेशनल टैक्स रेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी स्कीम, तो देखिए नई जो प्रोविजंस हैं है ना उनको इंट्रोड्यूस करा गया सितंबर 2019 में। वो ऑफर कर रही है कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% का न्यूली इनकॉर्पोरेटेड डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। मैंने पीछे आपको बताया इन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में विच स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय 31 मार्च 2023 से जो स्टार्ट करेंगे उनके लिए। ठीक है, अट्रैक्ट करने के इन्वेस्टमेंट वगैरह। पावर सेक्टर्स में क्या है, ये प्रपोज करा गया है कि एक्सटेंड करेंगी कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स को 15% के एक नए डोमेस्टिक कंपनीज जो कि इंगेज होंगी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में उनके लिए। आगे बताऊं आगे क्या है, टैक्स कंसेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चलिए, तो इंसेंटिवाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट सोवेरियन हेल्थ फंड फॉरेन गवर्नमेंट्स का, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज करा है कि वो ग्रांट करेंगे 100% 100% टैक्स एग्जेम्पशन दे देंगे उनके इंटरेस्ट पे डिविडेंड और कैपिटल
गेन्स इनकम पे इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बनेगी एंड अदर नोटिफाइड सेक्टर में बनेगी बिफोर 31 मार्च 2024 के अंदर एंड विद अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स रहेगा। आगे बताएं स्टार्टअप्स के बारे में, तो देखिए देखिए बूस्ट वगैरह करने के लिए इकोसिस्टम को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज करा है ना। ये देख रहे हैं आप पूरा का पूरा जो इस बार का बजट निकला है पूरा ग्रोथ सेक्टर पे जो है वो फोकस कर रहा है ना। प्रपोज करा है ईज टू द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ऑन द इम्प्लॉयज बाय डिफरिंग द टैक्स पेमेंट्स फॉर 5 ईयर्स है ना और टिल दे लीव द कंपनी और व्हेन दे सेल देयर शेयर्स व्हिच एवर इज अर्लीस्ट। इन तीनों में से जो भी सही होगा तो उस हिसाब से ये होगा। उसके बाद एक एलिजिबल स्टार्टअप जिसमें टर्नओवर करीब 25 करोड़ रुपए का होगा इसको अलाउ करा जाएगा कि इसमें भी डिडक्शन होगा 100% का उसके प्रॉफिट्स पे 3 कॉन्सिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के आउट ऑफ 7 ईयर्स है ना अगर टोटल टर्नओवर जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा है 25 करोड़ रुपए का। ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी प्रपोज करा है कि ये लिमिट वगैरह भी इंक्रीज कर देंगे 100 करोड़ कर देंगे बढ़ा के। इन्होंने ये भी प्रपोज करा है कि एक्सटेंड करेंगे पीरियड एलिजिबिलिटी का फॉर क्लेम ऑफ डिडक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग अभी 7 साल है उसको 10 साल करने का बात कही गई है। आगे बताया जाए आपको तो कंसेशनल टैक्स लिमिट के बारे में बताते हैं, सॉरी कंसेशनल टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव्स के बारे में बताते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये करेंटली देखिए टैक्स कर रही है द रेट ऑफ 30% इनको टैक्स लिया जा रहा है जिसमें सरचार्ज उसके बाद लगता है उसके बाद सेस भी लगता है एक मेजर कंसेशन ताकि पैरिटी लाई जा सके कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज और कॉर्पोरेट्स के बीच में। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज करा है कि वो प्रोवाइड करेंगे एक ऑप्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है क्या होगा एक ऑप्शन होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पे कि टू बी टैक्स एट 22+ 10% सरचार्ज एंड 4% सेस जिसमें कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं होंगे। ठीक है तो ये ऑप्शन है ये चाहे कंपनीज तो ये वाला भी ऑप्ट कर सकती हैं। इन्होंने ये भी प्रपोज करा है कि वो एग्जेम्प्ट कर देंगी इन सारी सोसाइटीज को फ्रॉम ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जिसमें ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जस्ट लाइक कंपनीज अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। क्लियर है आगे बात करें आगे बात करते हैं मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस की। तो रिड्यूस करने के लिए कंप्लायंस बर्डन हमारे स्मॉल रिटेलर्स ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स का जिसमें आपका एमएसएमई सेक्टर कंप्राइज करता है। तो देखिए ये प्रपोज करा गया है कि रेस करेंगे इसको 5 गुना ज्यादा। ठीक है 5 टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड है ऑडिट के लिए फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1 करोड़ से सीधा 5 करोड़ कर दिया जाएगा है ना। बूस्ट करने के लिए लेस कैश इकोनॉमी को इन्होंने प्रपोज करा है कि इंक्रीज करेंगे लिमिट जो है बढ़नी चाहिए सिर्फ उन बिजनेस को जो कैरी आउट करते हैं करीब 5% है ना जो कैरी आउट करते हैं लेस देन मतलब 5% से कम अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन का कैश में। क्लियर है बात समझ रहे हैं ना मतलब क्या है सीधा सीधा लिखा हुआ है। देखिए शी प्रपोज दैट द इंक्रीज लिमिट शैल अप्लाई ओनली टू दोज बिजनेसेस व्हिच कैरी आउट लेस देन 5% ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन कैश। फिर आता है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो लास्ट बजट में क्या था इन्होंने अनाउंस करा था एक एडिशनल डिडक्शन अप टू 1 लाख रुपीज 1,50,000 रुपीज का फॉर इंटरेस्ट पेड जो कि लोन्स पे दिया जाता है फॉर द परपेज जो लोन लिए जाते हैं फॉर द परपेज मतलब फॉर द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर परचेज ऑफ एन अफोर्डेबल हाउस। ठीक है अफोर्डेबल हाउस लेने के लिए जो लोन लिए जाते हैं तो लास्ट बजट में क्या था फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा था एक एडिशनल डिडक्शन ऑफ अप टू 1,50,000 रुपीज का। ठीक है फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर परचेज ऑफ एन अफोर्डेबल हाउस जो डेट है लोन सेंक्शन की फॉर द अवेलिंग दिस पीरियड डिडक्शन ये प्रपोज करी जा रही है टू बी एक्सटेंड बाय 1 ईयर 1 साल और बढ़ा दी जाएगी और ये आपका 31 मार्च 2022 के बाद 2020 के बाद आपका जो है 1 साल और बढ़ाने के लिए प्रपोज करा गया है। आगे बढ़ते हैं चैरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो देखिए इनकम जो चैरिटी इंस्टीट्यूशंस होती है फुली एग्जेम्प्ट है टैक्सेशन से डोनेशन वगैरह जो दिए जाएंगे सारे इंस्टीट्यूशंस को इनको अलाउ है कि ये एज डिडक्शन कर सकते हैं कंप्यूट करने में हमारी टैक्स की टैक्सेबल इनकम ऑफ द डोनर। और ये प्रपोज करा गया है कि प्री फिल करने के लिए डोनीस की इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर्स रिटर्न में ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ डोनेशंस फर्निश्ड बाय द डोनी। उसके बाद क्लेम करने के लिए टैक्स एग्जम्पशन चैरिटी इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर करना पड़ेगा विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में। ये भी प्रपोज करा गया है कि बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अंडर द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ये इशू करा जाएगा सारे ही एग्जिस्टिंग चैरिटी इंस्टीट्यूशन को। क्या दिया जाएगा URN यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ताकि अच्छे से मतलब जो है सब कुछ ऑनलाइन मामला सेट हो जाए। ठीक है आगे बताते हैं आपको फेसलेस अपील्स के बारे में। तो इम्पार्ट करने के लिए ग्रेटर एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी असेसमेंट प्रोसेस में एक नया फेसलेस असेसमेंट स्कीम ऑलरेडी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ये माना जा रहा है कि अमेंड करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट को सो एज टू इनेबल फेसलेस
मतलब इट इज प्रपोज टू अमेंड, ये प्रपोज करा गया है कि भाई देखिए अमेंड करा जाए इनकम टैक्स एक्ट को, ताकि इनेबल करें फेसलेस अपील ऑन द लाइंस ऑफ फेसलेस असेसमेंट। आगे बताते हैं, बहुत ही प्यारी स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम। क्या है ये? विवाद से विश्वास स्कीम। तो इसमें क्या है कि जो प्रपोज करी गई है विवाद से विश्वास स्कीम, एक टैक्स पेयर जो है उसको जरूरत होगी, वो पे करेगा सिर्फ वही अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स का, ठीक है, ओनली द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, सिर्फ जो डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट है वही पे करेगा, एंड जो है ये कंप्लीट वेवर पा जाएगा इंटरेस्ट और पेनाल्टी से, है ना, प्रोवाइडेड ही पेस बाय 31 मार्च 2020 तक, अगर वो पे कर देता है ये बात तो, है ना। जो अवेल करेंगे स्कीम को 31 मार्च 2020 के बाद, उनको पे करना पड़ेगा कुछ एडिशनल अमाउंट भी, समझ रहे हैं आप। 31 मार्च 2020 तक जो पे कर देगा उसको तो भाई कंप्लीटली वेवर मिल जाएगा इंटरेस्ट और पेनल्टी से, सिर्फ जितना विवाद वाला जो है वो डिस्प्यूटेड टैक्स है बस उतना ही पे करना है। अगर भाई 31 मार्च 2020 के बाद पे करते हो तो कुछ एडिशनल अमाउंट भी देना पड़ेगा, है ना। ये स्कीम जो है वो रीओपन मतलब द स्कीम विल रिमेन ओपन टिल 30 जून 2020, ठीक है, ये 30 जून 2020 तक ये ओपन रहेगी। आगे बताऊं, इंस्टेंट पैन आधार, इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, है ना, फर्दर ईज करने के लिए प्रोसेस, पैन के अलॉटमेंट का एक सिस्टम को लॉन्च करा गया है अंडर पैन अंडर विच सॉरी एक सिस्टम को लॉन्च करा गया है अंडर विच जो पैन है वो इंस्टेंटली अलॉट करा जाएगा ऑनलाइन ऑन द बेसिस ऑफ आधार। आधार के बेसिस पे आपको पैन मिल जाएगा बिना किसी रिक्वायरमेंट या फिर फाइलिंग अप होने के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को, मतलब DAF फॉर्म को। आगे बताते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, कुछ बातें बताऊं आपको, GST के बारे में समझाऊं। तो एक सिंप्लीफाइड GST रिटर्न है ना, इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये रिटर्न फाइलिंग को सिंपल बना देगा, इसमें कुछ फीचर्स होंगे जैसे कि SMS बेस्ड फाइलिंग होगी, है ना, SMS बेस्ड फाइलिंग होगी नील रिटर्न के लिए, फिर रिटर्न प्री फाइलिंग भी होगी, इम्प्रूव्ड इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो होगा, और ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन है ये प्रोसेस है। डायनेमिक QR कोड है ना, डायनेमिक QR कोड को प्रपोज करा गया है कंज्यूमर इनवॉइसेस के लिए। आजकल आपने देखा होगा QR कोड तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गए हैं, है ना। GST पैरामीटर्स जो है वो कैप्चर करे जाएंगे जब पेमेंट जो है परचेजेस के लिए करा जाएगा QR कोड के माध्यम से। QR कोड जानते हैं ना, ऐसे ऐसे एक कोड बना होता है आजकल पेटीएम वगैरह पे भी उसको स्कैन करते हैं, है ना, तो ऐसा वाला कुछ। तो GST पैरामीटर्स भी जो है कैप्चर करे जाएंगे जब पेमेंट जो है परचेजेस के लिए करा जाएगा QR कोड के माध्यम से। आगे बताऊँ आपको कस्टम्स के माध्यम से, वो सॉरी कस्टम्स का टॉपिक बताऊँ, कस्टम साइज पर इंडिया जो है उसने क्वांटम लीप लिया है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स पैरामीटर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो करी जाती है, तो उसमें इंडिया की रैंक काफी इंप्रूव हुई है, वो तो आप पढ़ते रहते होंगे रैंकिंग्स में 146 से 68 आ गई है। इम्पोर्ट जो है अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ये भी बढ़ रहे हैं, और अनड्यू क्लेम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का है बेनिफिट बेनिफिट कर रहा है, बेनिफिट्स वगैरह जो है पोस्ट थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इम्पोर्ट्स अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ऑन द राइज, अनड्यू क्लेम्स ऑफ FTA बेनिफिट्स हैव पोस्ट थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हैव पोस्ट थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द कमिंग मंथ्स, रूल्स ऑफ ओरिजन रिक्वायरमेंट शैल बी रिन्यूड, ठीक है, आने वाले महीनों में जो रूल्स ऑफ ओरिजन रिक्वायरमेंट्स है उसको रिन्यू करा जाएगा, पर्टिकुलरली सर्टेन सेंसिटिव आइटम्स के लिए, सो एज टू इंश्योर FTA आर अलाइंड, ताकि इंश्योर करा सके कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह है वो अलाइन रहे टू द कंसाइनर्स डायरेक्शन ऑफ आवर पॉलिसी। आपको पता है ना कि भाई देखिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में क्या होता है कि जो बाहर से गुड्स आ जाते हैं तो काफी सस्ते दामों में आ जाते हैं, है ना, और उससे क्या हो जाता है कस्टम्स ड्यूटी उनमें इतनी लगती नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको काफी इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है, उनको काफी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि सस्ती चीजें कस्टमर्स ज्यादा आसानी से खरीद लेते हैं। आगे बताते हैं लेबर इंटेंसिव स्कीम जो MSME में है वो क्रिटिकल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। चीप और लो क्वालिटी इम्पोर्ट्स आर एन इम्पीडिमेंट टू देयर ग्रोथ, ठीक है, इस सब को ध्यान में रख के, है ना, इस सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी जो है वो रेस करी गई है आइटम्स पे लाइक फुटवेयर और फर्नीचर पे। रेट जो ड्यूटी का है फुटवेयर के लिए ये रेस करा गया है 25% से 35% कर दिया गया है, एंड पार्ट्स ऑफ फुटवेयर के लिए 15% से 20% कर दिया गया है। जो रेट ऑफ ड्यूटी है स्पेसिफाइड फर्नीचर गुड्स की ये रेस कर दी गई है 20% से 25% में, ठीक है, इम्पीटस देने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमारी, एंड जनरेट करने के लिए रिसोर्स हेल्थ सर्विसेज के लिए ये प्रपोज करा गया है कि इम्पोज करना है नॉमिनल हेल्थ सेस करीब 5% का इम्पोर्ट्स पे स्पेसिफाइड मेडिकल इक्विपमेंट की, ठीक है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी इम्पोर्ट्स वगैरह पे न्यूज प्रिंट की और लाइट वेटेड कोटेड पेपर की ये रिड्यूस कर दी गई है फ्रॉम 10% टू 5%, ठीक है। उसके बाद एक इंक्रीज जो है ये प्रपोज करी गई है नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंसी ड्यूटी में, एंड इंक्रीज इज प्रपोज्ड
इन नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी, ठीक है, NCCD ऑन सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, NCCD ऑन बीडीज रिमेन अनचेंज, ठीक है, बीडीज वगैरह की जो NCCD है वो वैसी रही है ये ड्यूटी, लेकिन इंक्रीज़ करा गया है, इंक्रीज थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ये प्रपोज करा गया है कि यहाँ पे जो है सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स पे ये NCCD को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे धन्यवाद आपका, हमारे ये बजट की समरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने प्यारे से व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ गलती हो कुछ भी हो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि फ्री एजुकेशन का लाभ सबको मिल सके इस वीडियो को। अगर फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाएँ और ज़रूर देखें, और सिर्फ IAS के नाम से पेज है, और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी सिर्फ IAS के नाम से है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली एंड सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम, हैव अ नाइस डे।